प्रेम है जो मर के भी प्राणों का न्योछावर करके भी। गोपी कहती है तू क्या समझता है, तू हमें छोड़ के चला जाएगा, हम मर जाएंगी, फिर अगला जन्म तू ले लेगा, हम कहीं जन्म ले लेंगे और प्रेम खत्म। गोपी कहती है मरेंगी भी तो तुझे याद करके मरेंगी, और ऐसा कहा है कि मृत्यु के समय जिसको याद किया जाता अगला जन्म वही मिलता है। भरत जी ने हिरण को याद किया तो अगले जन्म में हिरण बने। हम तुझे याद करेंगी और अगले जन्म में फिर तेरा पीछा करेंगी, पर तुझे छोड़ेंगी नहीं। सोचना मत कि पल्ला छूट गया, गई गोपियां अब तो मृत्यु हो गई। मरने के बाद भी ब्रह्मा जी से कहती है, मरने के बाद भी हे ब्रह्मदेव ऐसी कृपा करो कि ये शरीर के पंच तत्व उस तत्व में जाके मिले, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, जिन तत्वों को श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए। ये प्रेम है, इसलिए उनका रूप, उनके रूप का वर्णन यहां सुखदेव जी शिष्य कर रहे हैं। ये वैसे श्लोक है भागवत के 10वें स्कंद का, वेणु गीत का, अर्थात भगवान के स्वरूप कैसा, ये वेणु बंशी बता रही है। और बंशी तो आपको पता है भगवान को सबसे प्रिय, अगर ब्रज में कोई था जो 24 घंटे कृष्ण के साथ रहता था तो वो ठाकुर जी की बंशी थी। रात को मैया भी दूर हो जाती, बाबा भी, गोपी भी, सब भी, लेकिन बंशी हमेशा सिरहाने पर साथ में सोती थी, कभी नहीं छोड़ा कन्हैया को उस बंशी ने। आज भी कहीं कृष्ण को देख लो साथ में बंशी जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी कहते अगर तुमको मुझे पाना है तो बंशी जैसा बन जाओ। बंशी कैसे बना जाता है? बोले बाहर से तो उसके स्वर में रस झलकता पर भीतर से एकदम खाली, कुछ नहीं, ईर्ष्वाद ईर्ष्या द्वेष सबसे मुक्त, ऐसा जो बन जाए उसको भगवान कहते मैं अपने से एक क्षण भी दूर नहीं करता। ठाकुर जी बंशी बजाते।